हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आ चुके हैं अपने नए वीडियो के साथ, जो कि है मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ करेंट अफेयर की सीरीज़, करेंट अफेयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि बीपीएससी मेंस के रिगार्डिंग जो द मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि हाँ इसके आने के चांसेस बहुत हैं। तो वही वाले मैंने इसमें चुन चुन के डाले हैं वैसे वैसे क्वेश्चन, जो कि आपको भी आइडिया लग रहा हो कि हाँ ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे आपका एरिया, जैसे आपने जो जो तैयार कर लिया है जो आपके हिसाब से है, उसके साथ अगर इसमें कुछ कुछ आते हैं तो ज़रूर उसको तैयार कर लीजिएगा, जो जो मैं कुछ कुछ जो बता रहा हूँ आपको, जो आपसे हट कर है। नहीं तो बस आप इसके साथ बने रहें ताकि आपकी भी रिवीजन होते रहे, जो जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो इससे पहले मैं दो वीडियो ला चुका हूँ, जो कि आपको पता है कि ये पार्ट थर्ड है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लें। और आज का इम्पॉर्टेंट, आज का भी ये सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसमें आपको क्वेश्चन के साथ कुछ कुछ इसमें आपके रिविज़न वर्क के लिए भी मैं कुछ करने के लिए यहाँ पर कुछ मटेरियल्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप ज़रूर बने रहें हमारे चैनल के साथ, आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर ले फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों को फ़ायदा हो सके। जो लोग अभी सोच रहे हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का आप एरिया क्रिएट कर लीजिए कि हाँ क्या क्या है। अभी भी समय है, जबकि ऐसा तो है नहीं कि कुछ नहीं पढ़ा होगा, जो पढ़ा है उससे ही कुछ ना कुछ आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है रिजर्वेशन पे, जो 10% रिजर्वेशन मिला है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, 103rd अमेंडमेंट है, इसको रिगार्डिंग क्या बनते हैं क्वेश्चन। पहले एक बार मैं क्वेश्चन पर पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा डिप जाऊँगा, हल्का फुल्का, मतलब जो अपर पार्ट है, ताकि जो जो क्रक्स है वो आपको याद रहे। क्योंकि एग्ज़ाम में बातें बनाना सबको आती है कि क्या लिखना है नहीं लिखना है, लेकिन क्रक्स नहीं छूटना चाहिए, मेन जो पॉइंट है वो बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए, जिससे कि आपका आंसर जो अद्भुत बन जाता है। ठीक है, तो छठा क्वेश्चन है यहाँ पर, सिक्स्थ क्वेश्चन है पीएम किसान कृषि सम्मान निधि योजना, जिसको पीएम किसान भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, यहाँ कृषि लिख दिया मैंने, सॉरी, पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर। ठीक है दोस्तों, अब आगे देख सकते हैं डेट फार्मिंग और लोन वेवर पे रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि ये सब इधर आपको आप देख सकते हैं तो बहुत ही चर्चा में क्वेश्चन बने थे कि लोन वेवर कोई इस स्टेट को लोन वेवर दे रहा है तो ये देना है, तो इसके इम्पैक्ट क्या पड़ रहे हैं अगर आपके देश के हिसाब से भी देख सकते हैं, और इसके इफेक्ट क्या हैं उनके रिस्पेक्ट में, कि आपको फार्मर को देने का ये फ़ायदा है या नहीं है, ये सारे आयाम आपको ध्यान देने होंगे। प्लस फार्मर डबलिंग इनकम जो फार्मर की डबल करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बिहार गवर्नमेंट दोनों के रिस्पेक्ट में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके साथ अटैच के लिए शायद मैंने लिखा नहीं, इसमें मेन क्वेश्चन मेरा वही लिखने का था, ये बीच बीच में रह गया था। ये सब एरिया एक होगा कि हाँ लोन वेवर पे थोड़ा एक आप याद रख लेंगे कुछ कुछ, एक मतलब अपना एक एरिया क्रिएट करके। सातवां सेवेंथ क्वेश्चन है लोकपाल, जिसको हम लोग बाहर जो इसका स्विडिश जो इसका कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से इसको ओम्बड्समैन का नाम दिया जाता है, जिसको कहा जाता है प्रोटेक्टर ऑफ पब्लिक, पब्लिक का संरक्षक। क्यों? क्योंकि ये लोकपाल जो है यहाँ पे इसको टर्मिनोलॉजी के हिसाब से भी इंडिया में इसको डिनोट किया जाता है, यहाँ के लोगों के लिए समझने के लिए इसको लोकपाल का नाम दिया गया था, और लोकपाल एक संस्कृत वर्ड है जो कि लोक और पाल से मिलकर बना है। लोक मतलब लोक मतलब लोगों की सेवा, लोगों और पाल मतलब प्रोटेक्टर। तो आप देख सकते हैं इसको आप अपने हिसाब से नोट कर लें कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस, लिमिटेशन, पावर क्या है लोकपाल की, और लोक आयुक्त जानते हैं आप, लोकपाल जो है वो सेंटर के लिए बनाए जाते हैं कि करप्शन के जितने मामले होंगे, ए ग्रेड बी ग्रेड जितने भी ऑफिसर्स हैं, ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड और बहुत सारे MPs MLAs जितने भी हैं उनका एक बड़ा सा एरिया है, वो लोकपाल आपको कवर करेंगे, और कहीं कहीं कुछ कुछ मामलों में यहाँ PM को भी अंडर में किया जा सकता है, और बहुत से मामलों में उनको छूट भी है। तो और लोकायुक्त तो आपको पता है कि वो स्टेट के मैटर में इंटरफेरेंस उनकी होगी, तो आप ये जान सकते हैं। सेवन्थ जो क्वेश्चन है इस पर ज़रूर आप एक अपना बना लेंगे ज़रूर, ये आने के बहुत चांसेस हैं, जो ये पॉलिटी से रिलेट करेगा क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन आप देख सकते हैं आयुष्मान भारत स्कीम जो है, स्कीम लगभग 3 से 4 में से 2 तो पक्का आने के चांसेस बनते हैं, आयुष्मान भारत का भी चांस बहुत ही तगड़ा है, क्योंकि ये परफॉर्मेंस के हिसाब से अच्छा कर रही है ये स्कीम भारत के, क्योंकि सबसे बड़ी स्कीम है एक हेल्थ केयर स्कीम के तौर पे, सबसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्कीम है, जो कि भारत में बहुत से लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा है,
तो पीएम जय के नाम से भी इसको जानते हैं और मोदी केयर के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है ओबामा केयर से प्रेरित है इसलिए। तो आप देख सकते हैं नाइन्थ क्वेश्चन है दोस्तों, वो है इंडिया स्टैंड इन स्पेस, इंडिया कहाँ पर खड़ा है स्पेस के तौर पे। आप रिसेंट में जान सकते हैं बहुत सारे ऐसे ऐसे नए नए चीज़ों को यहाँ पर इनोवेट किया गया है इसरो के द्वारा, बहुत से जैसे कि मिशन शक्ति को यहाँ पर लॉन्च हुआ, मिशन शक्ति लॉन्च हुआ है, जिसके चलते भारत चौथा देश ऐसा हो गया है पूरे विश्व भर में जो कि ऐसी शक्ति के साथ भारत वर्ल्ड पावर बन अपना स्पेस पावर भी दिखा रहा है, जो वर्ल्ड के नाम वर्ल्ड में भी जो इसका नाम हो रहा है स्पेस के तौर पे, वो मिशन शक्ति भी इसको प्रूव करती है। और स्पेस स्टेशन बनाने की बात कुछ दिनों पहले के सिवान जो कि इसरो के चेयरमैन हैं उन्होंने की है। तो इनका जो आयाम है मिशन शक्ति एसेट एंटी सैटेलाइट जो है, फिर ये स्पेस सेंटर है, फिर जो स्पेस तकनीक से आप देख सकते हैं, आप कुछ दिन पहले फैनी तूफान आया था और अभी रिसेंट में वायु तूफान आया हुआ है गुजरात के कोस्टल एरियाज़ पे, तो इसके चलते बहुत से लोगों को इवैक्यूएट कर दिया गया है। तो इनसे कैसे रिलेट कर रहा है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, क्या क्या कौन से सैटेलाइट वगैरह भेज रही है, डिफेंस में इनका क्या रोल है, जैसे कि रिसेट टू बी है जो कि डिफेंस के हिसाब से हमारे बॉर्डर की सुरक्षा में भी वो योगदान दे सकती है। ये सब बहुत से आयाम हैं आपको स्पेस में, बहुत से आपके स्पेस का ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिशन शक्ति के साथ स्पेस सेंटर के साथ, ये सब को आपको कंबाइंड करके ये आंसर आपको दे रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनने के लिए तैयार है समझ लीजिए। तो ओके फ्रेंड्स, ये आज के मैं 5, 6, 1, 7, 8, 9 तो 3 और 3, 6, 3, 2, 5 ठीक है, 5 क्वेश्चन यहाँ से लगभग मैंने इसमें कर दिए हैं, पहले के 2, 2, 4 हो चुके हैं, 5, 4, 9 आप देख सकते हैं टोटल 9 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, क्योंकि यहाँ 9 तो नंबरिंग में ही है। तो यहाँ जो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं आज के 5 क्वेश्चन हैं, तो थोड़ा कुछ इस पर चर्चा हो जाए कि क्या चल रहा है और कंफ्यूज, थोड़ा सा एक रिविज़न आपके हिसाब से मैंने सोचा कि कुछ इस पर मैं पॉइंट्स बना लूँ। तो आप देख सकते हैं मैं बात करता हूँ अमेंडमेंट बिल जो आया था, 124th अमेंडमेंट बिल जो कि पास हो गया, और 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 हो चुका है। ये लाया गया था सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर थावरचंद गहलोत के द्वारा। इसमें प्रोवाइड किया गया आप जानते हैं 10% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो वीकर सेक्शन एक नाम दिया गया है इकोनॉमिकली वीकर, ताकि जो इकोनॉमिक से जो वीक हैं उनको एक योगदान हो सके, उनके लिए कुछ किया जा रहा है। तो एक गवर्नमेंट के लिए द्वारा ये भी अच्छी एक स्कीम है, ना स्कीम नहीं सॉरी, ये अच्छा एक रिजर्वेशन सिस्टम है, ठीक है जो भी है। लेकिन हाँ, इसमें भी बहुत सारी खामियां हैं थोड़ी बहुत, कि जैसे कि 8 लाख वाला बैरियर है उसमें लगभग जो रिसेंट डेटा आया था NSSO का उसमें दिखा रहा था कि 97 to 98 point something के रेंज में सारे कवर हो जा रहे हैं। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ आखिर, उस वो कम करने से ही कुछ मतलब इसका सोल्यूशन निकल सकता है। तो इसमें देख सकते हैं जो जो रिजर्वेशन का फ़ायदा पहले नहीं ले सकते थे, जिसमें से मेजर कास्ट आ जाते हैं ब्राह्मण्स, राजपूत, जाट्स, मराठास और सेवरल ट्रेडिंग कास्ट जो कि, और अपर कास्ट जितने भी हैं, तो इन लोगों को वीकर सेक्शन जो इनके वीकर सेक्शन ग्रुप हैं उनको 10% रिजर्वेशन मिलेगा। तो वह इसके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि जो ये छेड़खानी जो हुई कहाँ से इसका कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि आपको पता है इंदिरा सोनी का केस था उसमें ये बार एक लगा दिया गया था जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वहाँ बार फिक्स हो गया था कि 50% का बार, उसके हिसाब से 50% का बार एक कैप लग गया था कि इसको एक्सीड नहीं करेगा रिजर्वेशन और नहीं करना चाहिए उसको, ये उससे उसको ये चैलेंज करती है और उसी को चैलेंज करने के बाद ही उसको अगेंस्ट में जाकर आर्टिकल 15 में चेंज करते हुए उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को ध्यान में रखते हुए 10% का रिजर्वेशन दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। मे बी रिजर्व फॉर सच सेक्शन एडमिशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बट इट विल नॉट अप्लाई इन, सॉरी क्या है पता नहीं, ध्यान देना होगा। चलिए जो भी है रिजर्वेशन क्या इसको बोल रहे हैं सॉरी एजुकेशन सिस्टम में आपको मिलेगा और हाँ जॉब में मिलेगा, ठीक है ना, जॉब में बिल्कुल। अब आप देख सकते हैं ये मिलेगा किसको, रिजर्वेशन किसको मिल सकता है, तो इसके लिए है जिसके 8 लाख से बिलो एनुअल इनकम है उनको ये मिलने का है। पहला एग्रीकल्चर लैंड जिसके 5 हेक्टेयर से कम है उनको, जिनके पास घर है 1000 स्क्वायर फीट से कम उनको,
जिसके प्लॉट्स हैं रेजिडेंशियल प्लॉट म्यूनिसिपैलिटीज़ में 109 यार्ड से कम, उनको मिल सकता है। जिनके रेजिडेंशियल प्लॉट हैं 209 यार्ड्स नॉन नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज़ के अंदर में, उनको ये इतने कंडीशन अगर वो फुलफ़िल करते हैं तो उनको, ये सारे फुलफ़िल करते हैं तभी जाकर उनको ये रिजर्वेशन का फ़ायदा होगा। तो ये एक चार्ट के तौर पे आप बना सकते हैं कि आफ्टर रिजर्वेशन ये जो सिस्टम है ये क्या हो गया है। जैसे कि 7.5% आपको मिलता था एससी एसटी को, एससी को 15%, ओबीसी को 27%, नया चीज़ आ चुका है 10% ईडब्ल्यूएस के लिए, जो कि अब लागू हो चुका है। आने वाले सारे एग्ज़ाम में अभी आप देख सकते हैं उनके फॉर्म में ईडब्ल्यूएस का एक बार क्रिएट हो चुका है, तो ये इम्प्लीमेंट भी होगी। ठीक है दोस्तों, अब आ सकते हैं यहाँ एक और जो मैंने बात करी थी इसको लेकर, जो इंदिरा सोनी केस थी उसमें स्ट्रक डाउन हो गया है, 10% रिजर्वेशन एक्सटेंड कर दिया गया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। और जो पुट 50% कैप था जो इंदिरा सोनी का केस था उसमें, वो 50% का कैप था रिजर्वेशन को लेकर, उसको भी तोड़ा गया है, उसको भी मतलब चुनौती दी गई है, उसके अगेंस्ट में जाकर ये बनाया गया है। अपहेल्ड 27% रिजर्वेशन टू सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटी। ओके फ्रेंड्स, और जो इनका जो इंदिरा सानी का केस है मैं उसकी बात कर रहा हूँ पहले, उसको कि जो जजमेंट क्या था सुप्रीम कोर्ट के रिजर्वेशन के हिसाब से, बैकवर्ड क्लासेस कैंट बी डिटरमाइंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया। ये देख सकते हैं कि बैकवर्डनेस आप सिर्फ इकोनॉमिक बेस पर नहीं देख सकते हैं, ये इंदिरा सानी का केस के अनुसार ये निकलता आ रहा था। इस चीज़ों को चैलेंज करते हुए ये 10% का रिजर्वेशन दिया गया है, सॉरी फ्रेंड्स। और फिर एक आया था नागराज केस, एम नागराज केस, इसमें से रूल डेट इक्वालिटी इज़ अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड 50% कैप ऑन रिजर्वेशन, इस पर भी उसको जोर दिया गया था कि 50% कैप का रिजर्वेशन है। इश्यूज़ जो आ रहे थे वो थे रिजर्वेशन इज़ प्योरली बेस्ड ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया, बेस्ड ऑन प्योरली इकोनॉमिक क्राइटेरिया। जो ये वाला रिजर्वेशन अभी बना है ये प्योरली इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे है, विच इज़ अगेंस्ट द इंदिरा सोनी केस, ये आप देख सकते हैं। क्या आपको आंसर से मतलब है इसमें आपको, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो इश्यूज़ हैं ये मैंने यहाँ से, ये मेरे कुछ मतलब ये मेरे अपने नीति निर्देश नहीं हैं, ये मैंने कहीं किसी के लिए था मतलब किसी से ये चीज़ बुक्स वगैरह या लेक्चर्स मैंने इसे अपने कॉपी करके इसको आपको बताया है, जो कि ये PDF के फॉर्म में था, ये किसके अगेंस्ट में जा रहा था, ये शायद GS स्कोर है या किसी का है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो कैप है 50% क्रॉस कर गया है अप्रॉक्स 98.99, हाँ ये देखिए कवर्ड इन 8 लाख लिमिट में, तो इसका फ़ायदा आखिर हुआ कहाँ। तो ये सब चैलेंजेस है कि इन चैलेंजों को निकाल कर क्या है, मतलब इश्यूज़ की ये इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है लोगों के अनुसार, ये इश्यूज़ हैं। फिर आते हैं फ्रेंड्स डबल इनकम, जैसे मैंने आपसे बात की थी कि डबल इनकम अगर आपको फार्मर्स को देना है तो क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, कैसे इस चीज़ को कर्व आउट किया जाए कि डबल इनकम हो सके फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इनकम डबल अगर करना है तो उसमें क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव होने चाहिए कि आप इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर्स, ये तो बात ही है इसी के लिए, तो फार्मर्स की इनकम कैसे बढ़ाई जाए, एडोक्वेट प्राइस देनी चाहिए, जो ये सब मेन ऑब्जेक्टिव है, इसी के अंदर में वो डबल इनकम कर सकते हैं अपना, जो कि 16-17 बजट के अनुसार। जैसे मैंने यहाँ पे कहीं से किसी के नोट्स थे उसमें से मैंने ये लिया है, आप इसको देख सकते हैं फ्रेंड्स का। आप जैसे कंट्री नाउ इट्स टाइम टू इंश्योर द इनकम सिक्योरिटी टू द फार्मर, ऐसा करके फार्मर को, जैसे कि गवर्नमेंट ने बजट में ही बताया हुआ है कि 2022 तक में फार्मर की इनकम को हम डबल कर सकते हैं, तो आप ना कुछ चीज़ों को अभी जो बजट आया था उसके हिसाब से जोड़ेंगे तो ये आंसर परफेक्ट स्वयं की तरफ ही बढ़ेगा। आप पुरानी चीज़ों को ना लिखें कि हाँ क्या हो रहा है, डबल कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें आप उसको बजट से जोड़ के जरूर देखेंगे, क्योंकि बजट इस बार बहुत ही मेनली फोकस था फार्मर को लेकर, भी बहुत सारा चीज़ में आया हुआ है। तो जो ये आप देख सकते हैं इसको एक बार पढ़ सकते हैं आप खुद से, ठीक है। मेनली है कि एग्रीकल्चर को डेवलप कैसे करें और फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने को रिलेटेड क्या क्या किया जा सकता है, जैसे फूड सिक्योरिटी, स्टोरेज बढ़ाने, स्टोरेज की कैपेसिटीज़, स्टोरेज व्यवस्था, फैसिलिटीज़ वगैरह, ताकि फार्मर्स अपने जितने भी हैं प्रोडक्ट्स, जितने प्रोड्यूसर्स हैं उनको सही तौर पे बेच सकें, सही तौर पे उनकी प्राइजेस मिल सकें। अब आते हैं फ्रेंड्स गवर्नमेंट के द्वारा जो किया गया कार्य है, गवर्नमेंट जो इंडिया गवर्नमेंट का ये किया लिया गया स्टेप्स जो है
तो जैसे कि इंडियाज एट द रेट 75 में तीन स्ट्रेटेजी शेयर की गई है फार्मर्स कंडीशन को सही करने के लिए। उसमें है मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारा जो देश है एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड करता है। आज भी कहा जाता है कि देश की लगभग 70% के अधिक आबादी जो गाँवों में बसती है, तो इस पे तो गांव में बसती है तो वहाँ पर खेत खलियान भी बहुत सारे ज़्यादा हैं, तो मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे तभी हमारा प्रोड्यूसर ज़्यादा होगा और मतलब मशीनरीज की तरफ बढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा। फिर आप देख सकते हैं जैसा कि वो ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ हुआ था, ये सब रिलेट करके डाल सकते हैं आंसर को सही बनाने के लिए, मतलब एक अट्रैक्टिव आंसर देने के लिए। फिर पॉलिसी और गवर्नमेंट इसको लेकर क्या है, पॉलिसी क्या बनाई जा रही है, वैल्यू चेन एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब फार्मर से रिलेटेड जो है उनकी कंडीशन को सही करने के लिए ये सब चीज़ें दी जा रही हैं। फिर स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है, जानते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सिंचाई करेंगे ढंग से तभी वहाँ उपजाऊ भूमि को और उपजाऊ बनाया जा सकता है, ताकि प्रोड्यूसर्स बढ़ें और किसान को एक अच्छा पैदावार हो और उसकी अच्छी इनकम उनको मिल सके। फिर है परंपरागत कृषि योजना, फिर है हाई वील्डिंग वैरायटी सीड्स को लाना, सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड कराना जिससे कि फर्टिलिटी चेक कर सके सॉइल की क्या क्या कमियां हैं उसमें, फिर ई नाम और मेगा फूड पार्क्स की मतलब जितने इंस्टॉल किए जा सकते हैं मेगा फूड पार्क, ई नाम को अच्छे से लागू करना, जैसे बिहार में ई नाम वगैरह हटा दिया गया था शायद, उसको लागू किया जाए आगे चल के हो सकता है। फिर न्यू फार्म टेक्नोलॉजी है जिसमें GM क्रॉप्स, स्प्रिंकलर्स जो कि आप देखते होंगे फवारे वाला टाइप का खेतों में, जिससे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े लेकिन पैदावार बहुत ही बढ़े, ड्रिप इरिगेशन जिसको कहते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, देखिए आपकी जब बात होती है फार्मिंग की तो हॉर्टिकल्चर रिलेटेड एनिमल हस्बेंड्री सारे चीज़ में आ जाते हैं, तो उसी तरह है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इसमें आपको कैटल ब्रीड्स मेनली फोकस्ड, काउ पर कामधेनु मिशन, ये सब कि काउ के ब्रीड को कैसे बढ़ाया जाए ताकि मिल्क की पैदावार बहुत अच्छी हो सके। यूज़ ऑफ नीम कोटेड यूरिया से आपके जो ये सब जितने भी कीटे ये सब जो इंसेक्ट्स वगैरह लगते हैं आपके पौधों में, ये सब जितने भी खेत में आपके जितने अनाज है तो वो सबसे बचा जा सकता है अगर नीम कोटेड यूरिया का उपयोग करते हैं तो। प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग सबसे बड़ा चीज़ है, ऑर्गेनिक फार्मिंग आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पहला राज्य जो है भारत की तरफ से है वो सिक्किम है, और बिहार दूसरा बनने जाने के कगार पर है, क्योंकि बिहार इस पर बहुत सारा काम बिहार इसको लेकर किया जा रहा है, तो आपको दोनों के रिस्पेक्ट में आपको देना है, बिहार के रिस्पेक्ट में कौन है जैसे सिक्किम बन चुका है, क्या क्या किया उसने, क्या क्या अपने एग्रीकल्चर टेक्निक्स में क्या बदलाव किए ताकि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ पूरा अग्रसर होके और उस चीज़ को अब अचीव कर चुका है, और बिहार को ये क्या करना चाहिए क्योंकि बिहार भी उसी के और सेकंड राज्य होने के लिए अग्रसर है। फिर है PM ग्राम सड़क योजना, क्योंकि सड़क सबसे बड़ा ये आपको है किसानों के लिए कि लिंकिंग पैच है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सड़क अगर ग्राम से मतलब जहाँ से वो लोग बिलोंग करते हैं गाँव से अगर वो शहर की तरफ नहीं, उनका सड़क अच्छा व्यवस्था है, ट्रांसपोर्टेशन सही नहीं है तो टाइम पर उनके अनाज पहुँच नहीं पाएंगे, सड़ सकते हैं, तो इसलिए PM ग्राम सड़क योजना भी प्रोवाइड कराई गई है कनेक्टिविटी टू ग्राम्स टू अर्बन एरियाज। ठीक है, बिहार के द्वारा जो स्टेप लिया गया है सबसे बड़ा तो है बिहार एग्रीकल्चर रोड मैप, जो ये है पहला दूसरा तीसरा है ये लॉन्च किया गया है, पहला दूसरा हो चुका है और नए इम्प्लीमेंटेशन के साथ तीसरा लॉन्च किया गया है। इकोनॉमिक कॉरिडोर जो आप जान रहे हैं गंगा से लेकर गंगा के अलॉन्ग में बक्सर से लेकर नालंदा तक के एरिया तक को ऑर्गेनिक कॉरिडोर यहाँ पे मिसस्पेल्ड हो गया, वहाँ पे मतलब मिसस्पेल्ड के वहाँ गलत लिखा ही गया है, तो ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है साइड से अलोंग द गंगा साइड लाइन्स से बक्सर से, ये भी दे सकते हैं। फिर कनेक्टिविटी नॉट एबल टू कनेक्ट विथ स्मॉल, देखिए जो वहाँ से कनेक्टिविटी नहीं हो पाई थी जो आपके PMGSY में जो नहीं हो पाई थी, तो यहाँ पे उसका काम CM टोला जोड़ो योजना ने मतलब CM के द्वारा किया जा रहा है, किया गया है। डेवलपमेंट ऑफ मेनी कोल्ड स्टोरेज एट बिहार जितना भी है, ताकि जो सड़ने वाली जो थी फलों की पैदावार चाहे जितने भी हैं जैसे आलू बैंगन प्याज वगैरह इन लोगों को, तो कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था बढ़ाई गई है बिहार में, उसके लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट को भी इंस्टॉल किया जा रहा है,
एट ए लार्ज स्केल, आप इसके साथ नाम वगैरह भी दे सकते हैं कि कहाँ कहाँ, तो आप इसको बिहार के से आप पढ़ सकते हैं, क्या नाम है उसका, बजट से इकोनॉमिक सर्वे जो आया था उसमें आप देख सकते हैं, ढंग से आके इकोनॉमिक सर्वे जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो थोड़ा बहुत आप तो जान ही गए होंगे, आयुष्मान भारत के बारे में भी जान गए होंगे। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको और कुछ बता देता हूँ, सीम टोला तो हो गया। देख सकते हैं लोकपाल के बारे में अगर चर्चा करते हैं, तो लोकपाल के बारे में जैसे जैसे मैंने तो बता दिया कि वो संस्कृत टर्म, अगर यहाँ के रेस्पेक्ट में देखें ये कॉन्सेप्ट 1809 में ही आ चुका था फ्रेंड्स। अब 20 मिनट का वीडियो हो चुका है, थोड़ा बहुत अगर आपको पढ़ना है तो आप ज़रूर बताएं। एक सेकंड मैं देख सकता हूँ चेयरमैन जो इसके हैं वो कौन कौन हो सकते हैं। एक तो हो सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इमिनेंट पर्सन विथ इम्पेकेबल इंटीग्रिटी एंड आउटस्टैंडिंग एबिलिटी, हैविंग स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपर्टीज ऑफ मिनिमम 25 ईयर इन द मैटर ऑफ रिलेटेड टू एंटी करप्शन पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विजिलेंस, फाइनेंस इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड बैंकिंग, लॉ एंड मैनेजमेंट। समझ में तो आ रहा है कहाँ कहाँ किस, मतलब बस आपको ध्यान रखना है कि जो 25 ईयर का उनके पास मिनिमम एक्सपर्टीज होना चाहिए और अपने फील्ड में वो आउटस्टैंडिंग एबिलिटी के साथ साथ एक्सपर्टीज़ के साथ एंटी करप्शन मैटर के पूरी तरह अच्छी तरह के जानकार होने चाहिए। इतना भी आप ध्यान में रखें तो बहुत आप मतलब ध्यान रखें कि हाँ फाइनेंशियल इंक्लूडिंग इंश्योरेंस बैंकिंग रिलेटेड मैटर, ताकि तभी तो वो इन चीज़ों पर ध्यान रख सकेगा कि हाँ क्या गलती हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सोचने की समझने की समझ जो भी है। तो आप देख सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्शन जो कमेटी जो होता है उसको किसके द्वारा बनाया गया है। इसमें सिलेक्शन कमेटी में पीएम है जो कि हेड किए जाते हैं एज अ चेयरमैन, स्पीकर ऑफ द लोकसभा होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन जो कि मल्लिका अर्जुन खड़गे को सोचा जा रहा था इन लोगों की तरह पेश किया जा रहा था, लेकिन वो इनकार कर दिए क्योंकि 10% इनके द्वारा तो है नहीं कांग्रेस का, 10% पिछले में भी नहीं था और अब भी जब इलेक्शन हो चुका है तो भी इनका मतलब पूरा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अभी जाकर इनके नहीं भी आने से जाके कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद यहाँ पर पिनाकी चंद्र घोष को पहला बना दिया गया है आपका लोकपाल, ये ध्यान रखिएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें हो सकते हैं और जज नॉमिनेटेड बाय हिम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज नॉमिनेटेड बाय हिम और हर, वन इमिनेंट पर्सन हो पर इमिनेंट जूरिस्ट हो सकते हैं एक, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा चुना जाएगा, जो कि इस बार जो पिनाकी चंद्र घोष के सिलेक्शन में मुकुल रोहतगी को बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देख सकते हैं कि किसको चेयरमैन नहीं बना सकता, इसका सारे आयाम को ध्यान रखिएगा, मेन मेन चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। लोकपाल का जुरिडिक्शन क्या क्या है यहाँ देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि यूनियन गवर्नमेंट में किसको किसको ये पावर जो है इनके हैंड में है, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, यूनियन गवर्नमेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज द ऑफिशियल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट अंडर ग्रुप ए बी सी डी, समझ में आ रहा है, इन पर इनको लगाम लगाने की छूट है, इनको पूरी तरह की आज़ादी है। प्राइम मिनिस्टर में इनका थोड़ा हाथ बनता है किसी किसी चीज़ में, जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटीज़, एक्सटर्नल अफेयर्स जितने भी हैं, स्पेस साइंस मैटर्स, जितने भी इस तरह के मैटर हैं जो बाहर से भी रिलेट करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह, तो इसमें इनको आप नहीं छू सकते हैं। फिर इसमें आपको एक और चीज़ है, आर्मी पर भी इनका नो कंट्रोल रहेगा। फिर आप यहाँ देख सकते हैं चेयरमैन जो भी है, कौन कौन चेयरमैन, किसी भी कंपनी के चेयरमैन, मेंबर, ऑफिसर, डायरेक्टर, एनी बोर्ड, किसी भी बोर्ड के, और करप्शन सोसाइटी, कॉरपोरेशन सोसाइटी, ट्रस्ट और ऑटोनोमस बॉडी जो भी है उन पर इनको लगाम लगाने की पूरी छूट है, देख सकते हैं आप। और एक और चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं, इट विल ऑल्सो कवर एनी सोसाइटी और ट्रस्ट, जो ट्रस्ट में चल रहा है कोई भी, जैसे एन जी ओ वगैरह है, जो कि कंट्रीब्यूशन पाता है कम से कम 10 लाख से ऊपर, चाहे वो आउटसाइडर का कंट्रीब्यूशन हो चाहे इंटरनल है, तो 10 लाख से ऊपर का वो जो कंट्रीब्यूशन पाता है, तो इन पर भी इनकी निगाहें हैं और इन पर भी ये अपना जुरिडिक्शन लगा सकते हैं। फिर आप बात करते हैं एसेट, जैसा कि मैंने बताया कि स्पेस साइंस में क्या क्या कर रहा है, तो स्पेस साइंस में सबसे पहली बात तो बता दूँ, स्पेस साइंस में भारत इधर रिसेंट में तो मिशन शक्ति की बात जरूर की जाएगी, क्योंकि मार्च 2019 में इसको टेस्ट किया गया है, पहला एंटी सैटेलाइट मिसाइल है एज अ पार्ट ऑफ मिशन शक्ति अगेंस्ट लाइव सैटेलाइट लॉन्च बाय इट्स, मतलब इंडिया के द्वारा ही लाइव सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था और उसी के उसके ऊपर ही हमने टेस्टिंग कर उसको निस्तनाबूत कर दिया है, मीन्स कि उसको कोलैप्स कर दिया, उसको उसको उस पर अटैक कर उसको खराब मतलब ख़त्म कर दिया गया है। तो इसमें हमने सक्सेस पा ली है और एंटी सैटेलाइट ये एक वेपन के तौर पर है, बट जैसे कि हमारे पीएम ने आकर बताया था कि ये वी आर नॉट
इट इज़ ओनली फॉर द पीसफुल पर्पज़, जैसे कि हम लोग हमेशा करते आ रहे हैं मिशन, जैसे कि ऑपरेशन शक्ति जो हुआ था, जो न्यूक्लियर वेपन था 1998 में, फिर आप लॉफिंग बुद्धा जो था 1975 वाला जो था इंदिरा गांधी, उस समय भी उन्होंने भी बोला था कि ये पीसफुल पर्पज़ के लिए है। आज इस बार भी हाँ ये है कि लोगों के अंदर डर और एक प्रिविलेज की जो बात है हमारे, क्योंकि देश के चौथा देश है भारत, यूएसए, रसिया, चाइना और इंडिया अब बना है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ यूएसए है, रसिया है, चाइना अभी तक, इंग्लैंड भी नहीं है, फ्रांस भी नहीं है। तो समझ में आ रहा है आपको कि चौथा देश बन गया है। तो स्पेस पावर में भारत बहुत ही अच्छा कर रहा है। और हाँ यहाँ पर इसरो ने, यहाँ पर नहीं, इसरो के द्वारा, इसरो और DRDO का ये ज्वाइंट वेंचर के तहत पर ये बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं। और रिसेंट में अभी मैंने जैसे आपको बताया था, रिसेंट में जैसे मैंने बताया था कि स्पेस साइंस के फील्ड में स्पेस सेंटर मतलब बनाया जाएगा, जैसे कि उन लोगों का एक अपना इंटरनेशनल सेंटर है जो स्पेस सेंटर है। तो इसी तरह इंडिया भी चाह रहा है कि हम वो भी अपना बनाएं, ताकि ऊपर में लो अर्थ ग्रेविटी सब टाइप का जो भी एक्सपेरिमेंट वगैरह इंडिया करना चाहता है तो उसको परेशानी ना हो। जैसे कि हमारा रिसेंट में प्रोजेक्ट है मंगलयान 2 आने वाला है, मंगलयान 2 तो हो गया सर, ये गगनयान, और एक प्रोजेक्ट है, हाँ गगनयान मंगलयान है ना। तो ये गगनयान में शायद 3 हमारे 2022 तक पायलट वगैरह भेजे जाएंगे, मैन मैन ये पहला मिशन होगा भारत के सबसे, जो कि मैन को लेकर जाया जाएगा, तीन तीन लोग जाएंगे वहाँ पर। आप देख सकते हैं इस कि ये आप देख सकते हैं यहाँ ए सैट डिस्ट्रॉयड किया गया था लो अर्थ ऑर्बिट में। तो इसको लेकर भी ये एक इश्यूज बन गया था इनके द्वारा, नासा के द्वारा उन्होंने आपत्ति जताई थी। यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्होंने बोला था कि ये जो आपको डेब्रिस फैल रहे हैं जो उसको अटैक करने से वो फूटा, वो तो वो बहुत कण कण में जाके टूट गए हैं, जो कि उसका एक एक कण लगभग कितना 10 सेंटीमीटर के हिसाब से चल रहा था। तो उसमें उन्होंने बताया कि जो वो स्पीड है ना उसकी लगभग 8000 कितना किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चल रहा है। अगर वो छोटा, आप जानते हैं कि एक बड़े पत्थर से अगर हम हाथ से चला के करते हैं, मारते हैं, तो जाके चोट लगता है। तो उन्होंने बताया कि इसका ये स्पीड भी है इस छोटी चीज़ में, और वो अगर किसी स्पेस सेंटर से, किसी मिसाइल से टकराती है, किसी सैटेलाइट से टकराती है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट से टकराती है, तो उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकती है उनकी ये डेवरिस है। ये उन्होंने कंसर्न अपना जताया है नासा के द्वारा। तो लेकिन DRDO ने काउंटर बैलेंस करके बोला है कि वो हमने उससे नीचे में किया है, जो लो अर्थ ऑर्बिट है, जो कि आपके स्पेस सेंटर से लगभग 100 किलोमीटर के रेंज में पड़ता है, वहाँ से 100 किलोमीटर पूरा वहाँ से मतलब दूर है, तो उससे हाँ लगभग मतलब 100 किलोमीटर का अंतर पड़ता है। तो वहाँ से आपका जाने में मतलब वहाँ पॉसिबल ही नहीं है, ये अपने से खुद से डिस्ट्रॉय हो जाएगा 45 डेज के अंदर, DRDO ने ये सब बोला है। तो ऐसे ऐसे इसमें काउंटर बैलेंसिंग चल रहे हैं इन दोनों के बीच में। अब आते हैं पीएम किसान। तो पीएम किसान की जो बात करते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है, आप जान रहे हैं इसमें क्या क्या है, किनको किनको मिल रहा है, मार्जिनल और स्मॉल फार्मर। मार्जिनल आपको पता है और स्मॉल फार्मर हो गया है, तो इसमें 2 हेक्टेयर से कम या 2 हेक्टेयर तक वाले जितने हैं वो इन दोनों में आ जाएंगे। तो इनमें क्या था कि जो है 12 करोड़ फार्मर्स को यहाँ पर बेनिफिट दिया जाएगा, जिसमें कि 6000 रुपया फिक्स एनुअल इनकम होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको देगी 3 इंस्टॉलमेंट में देगी, 2000 2000 2000 की, जो कि इलेक्शन होने से पहले पहली इंस्टॉलमेंट लगभग दे दी गई थी, क्योंकि उसके लिए पैसे जो थे वो आवंटित कर लिए गए थे वो बजट इंटरिम बजट से, और ये बजट का ही है, जब बजट स्टार्ट हुआ था तभी का है, तो उसकी जो हाइलाइट्स है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो इसमें क्या है, 75,000 करोड़ अलॉटेड किए गए थे 2019-20 में, और अभी जो फिर बजट अभी स्टार्ट होने वाला है तो उसमें भी शायद इसको लेकर तो बनाया ही जाएगा। आप तो देख सकते हैं इसमें, तो 2000 का जो शिफ्ट है उसमें बैठ दिया गया है, 2000 का 3 इंस्टॉलमेंट है, तो पहला इंस्टॉलमेंट दे दिया गया है बहुत लोगों को। तो हो सकता है फ्रेंड्स ये सब एक हाइलाइट्स के तौर पे आप जानें, ताकि वहाँ पे आप बता सकें क्या क्या है, क्या क्या सब का नहीं है। अब आते हैं, अगर आपको देखना है आयुष्मान भारत, जैसे मैंने आपको बताया था कि 10 करोड़ से अधिक परिवार और 50 करोड़ से अधिक देशवासियों को मिलेगा इसका फ़ायदा, ठीक है। WHO, हाँ रिसेंट में ये चीज़ आप देख सकते हैं, WHO समेत विश्व के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल लॉसेंट ने इसमें इस योजना की, तो आप देख सकते हैं रिसेंटली WHO एंड वर्ल्ड फेमस मेडिकल जर्नल लॉसेंट
ये आप देख सकते हैं क्या मैं कहाँ दिया योजना की सराहना की है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंटेड ऐसे करके, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट दिया है उन्होंने, ऐसे करके बता सकते हैं कि ये सब करंट की चीज़ें हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रही है। ठीक है फ्रेंड, इसके बारे में आप जानते हैं, जो भी है ध्यान रखिएगा। अब आते हैं यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 10 करोड़ फैमिली, अब बेनिफिट सारे लोगों को दिया जाएगा। 25 सितंबर को ये लागू किया गया था, आपको एक जस्ट ऐसे ओवरव्यू के तौर पर मैं दे रहा हूँ। ठीक है, आयुष्मान भारत 2 टर्म में बटा हुआ है, कौन कौन है, दो 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 मेजर हेल्थ इनिशिएटिव में बटा, कौन कौन है, एक हेल्थ वेलनेस सेंटर और एक नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। एक अपना इसको चार्ट के तौर पर जरूर से तैयार कर लें, ना हो अगर आपको मन करता है कि मुझे हाँ एक चार्ट के तौर पर तैयार करना है, एक वन पेज के तौर पर ही आपको तैयार करना है, ताकि उसको आप रिप्रेजेंट कर सकें और वन पेज आपका 4 to 5 पेज बना दे, ऐसा तैयार होना चाहिए। तो पॉइंट आपको वहाँ से आपको गेन हो, इस चीज़ का बहुत खासा ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम रैप अप करते हैं जितना भी हो गया होगा, और मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो जो हो उसमें पूरा कवर कर जाऊँ, दो चार जितने भी बच रहे हों। ठीक है, तो इतने आप पढ़ लीजिए कम से कम, जिसमें से मतलब चांसेस बनते हैं कि तीन तो आपको आ जाने चाहिए, मतलब 5-6 ऑप्शन के साथ तो तीन तो बन जाने चाहिए, लेकिन मैं फिर भी 4 से 5 और करवा दूंगा ताकि एक अच्छा एरिया क्रिएट हो जाएगा। तो अब जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो इसको ज़रूर देखते रहें जितने भी सीरीज़ हैं, और मेरे आने वाले सीरीज़ के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। और जहाँ जहाँ मेरी गलती हुई है, थोड़ा बहुत गलती मैं कर दिया हूँ, मैंने किया है इसमें, तो उसके लिए माफ़ी। और कहाँ जहाँ जहाँ गलती हुई है आप मुझे बताना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। तो थैंक यू, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ें और चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ना दें कि क्या एग्ज़ाम होने वाला है नहीं होना है, आपको अपने आप को डरने ना दें, बांध कर रखें। जो होगा फैसला वो तो अब तो दे दिया है बीपीएससी, तो उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। अब अपने हिसाब से एक डेट वो जो 12 है उसको फिक्स करके चलिए, टेंशन एकदम नहीं लेना है कि हाँ 19 को क्या होने वाला है, 19 को क्या होने वाला है, एक आएगी समझ में आ जाएगा, जो भी आपको न्यूज़ पता चलेगी। अपने आप को हतोत्साहित नहीं करना है, अभी भी समय है, जितना आपने पढ़ा है उसको एक जगह करने का बस देरी है, लिख दीजिएगा, आप कॉन्फिडेंस रखिए। ओके फ्रेंड्स, बिल्कुल कर सकते हैं आप, जिन्होंने भी नहीं किया है बिल्कुल कीजिए, आप लोग का बिल्कुल होगा। कॉन्फिडेंस में आइए और कॉन्फिडेंस में ही रहिए, किसी की नहीं सुनिए कि नहीं होगा, मेरा नहीं हो सकता है, अब पॉसिबल नहीं लग रहा है, कर सकते हैं आप, अभी आपके मन में खुद को ठान लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच गाइस, मेरे साथ ज़रूर बने रहें आने वाले मेरे लेक्चर्स के लिए। थैंक यू सो मच, लेक्चर नहीं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए।